पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने अयोध्या में मौजूद राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दी है। आतंकी मसूद अजहर के संगठन जैश ए मोहम्मद ने धमकी भरा ऑडियो जारी किया, जिसमें उसने राम मंदिर पर हमले का जिक्र किया। ऑडियो में जैश का लीडर धमकी दे रहा है कि राम मंदिर को तोड़कर वहां बाबरी मस्जिद बनाने के लिए आतंकी भेजे जा रहे हैं। इधर सुरक्षा अलर्ट के बाद राम मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा एजेंसियों ने ऑडियो की जांच भी शुरू कर दी है। अयोध्या में श्री राम के जयकारे से पाकिस्तान के कान फट रहे हैं और जैश का सरगना मसूद अजहर परेशान है। जम्मू में लगातार हो रहे हमलों के बाद आतंकियों की नजर श्रीराम जन्मभूमि अयोध्या पर है और इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो है बाबरी मस्जिद को वापस लाना। 9 जून को रियासी में श्रद्धालुओं के बस पर हमले के 5 दिन बाद जैश ए मोहम्मद ने अयोध्या पर हमले की धमकी दी है। राम मंदिर के बनने के बाद आतंकियों में किस कदर बौखलाहट है वो कट्टरपंथियों की चीखती आवाज से साफ पता चलता है। या उसकी जगह बने हुए मंदिर को गिराना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मस्जिद की हिफाजत का तरीका उस वक्त बता दिया था जब कुरान नाजिल हो रहा था कि मस्जिद की जगह अगर मंदिर बन जाए। 88 सेकंड का ये धमकी वाला ऑडियो जैश ए मोहम्मद के किसी लीडर का बताया जा रहा है, जो एक जलसे में राम मंदिर पर हमले की गीदड़ भभकी दे रहा है। न्यूज 18 इंडिया इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। मस्जिद की जगह अगर मंदिर बनाने वाले आ जाए, अल्लाह की गैरत, अल्लाह का गुस्सा जोश में आ जाता है। इस ऑडियो के एक एक शब्द नफरत से भरे हैं और ये किसी जलसे में उकसाने वाली तकरीरें हैं। बताया जा रहा है कि ये पाकिस्तान में जैश की तरफ से भारत में नए आतंकी हमले का टारगेट फिक्स करने की तैयारी है। अल्लाह ने ऊपर से लश्कर भेजा, याद रखना ये राम मंदिर भी इसी तरह तबाह होके रह जाएगा। उस रब के नाम पे कह रहा हूँ, उस रब के नाम पे जिसने सूरह फील नाजिल की है। अबाबील पहुंचेंगे, पत्थर गिरेंगे, ये बुतकदा गिरेगा, मस्जिद बाबरी वापस बनेगी। आतंकी संगठन ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें राम मंदिर की फोटो लगाई गई है। उर्दू और हिंदी में जारी इस वीडियो में इस आतंकवादी संगठन का लीडर चेतावनी दे रहा है कि बहुत जल्द अयोध्या में राम मंदिर पर हमला करने कुछ आतंकी आएंगे। वीडियो में कहा गया है कि उनके 3 साथियों ने अयोध्या में बलिदान भी दिया है। इसके लिए जो पोस्टर जारी किया गया है उसमें राम मंदिर की फोटो के ऊपर उर्दू में लिखा हुआ है कि राम मंदिर तोड़ दें। इंशाल्लाह बाबरी मस्जिद की जगह जो तुम्हारा मंदिर बना हुआ है और वहाँ हमारे 3 साथी शहीद हुए हैं, इंशाल्लाह इस मंदिर को गिराना हमारी जिम्मेदारी बन चुकी है। वहीं इस आतंकी हमले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है, मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसियों ने इस पर अलर्ट भी जारी किया है। सूत्रों के मुताबिक साल 2001 में भी पाकिस्तान ने 3 आत्मघाती आतंकियों को अयोध्या भेजा था, लेकिन इनपुट के आधार पर उन्हें पहले ही मार गिराया गया। इसलिए अयोध्या हमेशा से आतंकियों के निशाने पर रही है। यही कारण है कि केंद्र सरकार अब अयोध्या में आतंकवाद विरोधी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के हब को स्थापित करना चाहती है।